बीजेपी को गलत नहीं बोल सकते कि इनने ये नहीं किया, इनने ये नहीं किया, इनने बहुत कुछ किया है। अगर वो नहीं होता ना, आज एक हिंदू अपने घर में सही नहीं बैठता, सुरक्षित नहीं बैठता। 1947 से ये देश आजाद है, हिंदू अपने घर में ही था, 80% आबादी हिंदुओं की रही है इस देश के अंदर। आप मुझे बताओगे कि बाल विवाह क्यों हुआ था, क्यों स्टार्ट किया था, बाल विवाह क्यों स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था ये बताओ, क्यों किया था ये तो बताओ। आप कह रहे थे पहले हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी, ये कम था, तो क्यों हुआ था ये बता दो। हिंदुओं की बेटियों का घर से ना उठाया जा रहा था, तभी बाल विवाह चालू किया था। बाल विवाह मैम कब से चालू हुआ? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप मेरे को बता सकती है मेरी जानकारी के लिए कि बाल विवाह इस देश में कब से चालू हुआ? नहीं, ये कब से चालू हुआ ये बताओ मेरे को खाली। खतरे में नहीं था तभी तो ये लाल किला बना है, खतरे में नहीं था तभी तो ये कुतुब मीनार बना है, तभी खत्म नहीं था तभी तो ये सब बना है। ये खतरे मतलब ये बन गया तो खतरे की निशानी है। मोदी जी ने लीज पे देकर के ना पैसा कमा रखा इसमें से। मोदी के अच्छे काम गिना रही थी लड़की के उसी बीच सरदार जी पहुंच गए और कुछ ऐसे सवाल पूछे कि अंधभक्त बहन की बोलती तो बंद ना हुई, बल्कि उन्होंने जवाब ऐसे दिए कि हम लोट पोट हो जाने वाले हैं, हंस हंस के पेट में दर्द हो जाएगा। जोरदार वाला दर्द नहीं, बल्कि हंसी वाला मीठा मीठा दर्द। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज मेरा ये साफा देख कर के आप पहचान ही गए होंगे कि मैं मारवाड़ से हूँ, एक राजस्थानी हूँ, और आज आपके स्वागत में कहना चाहती हूँ खम्मा गणी सा। आपको रिप्लाई करना होगा घणी खम्मा। पर्सनल गुफ्तगू करने का मेरा मन हुआ आपसे तो कर लिया, जैसे हमारी अंधभक्त बहन का मन हुआ मोदी जी की चरण वंदना करने का तो उन्होंने कर लिया। उम्र में छोटी हैं और औधे में उससे भी ज्यादा छोटी हो गई हैं, क्योंकि ब्रेन वॉश इतना हो चुका है आजकल के यूथ का कि घनघोर वाली अंधभक्ति के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं और उन्हें रियलाइजेशन भी नहीं होता कि वो किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से मोदी जी 13 प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, पर 14 हम ये होने ना देंगे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड हमारे जो भाई हैं जिन्होंने उनको काउंटर क्वेश्चन किया उनको सुनने के लिए, क्या आप भी मेरी तरह उत्सुक हैं? अगर हाँ तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर ये इंटेंस डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। क्या लग रहे हैं कि मोदी जी ने 10 सालों में जो वादे उन्होंने आते वक्त अपने बोले थे कि ये वादे मैं पूरे करूंगा, उन्होंने किए हैं कि नहीं? मुझे तो ऐसा नहीं लगा जो उन्होंने पूरे किए हैं। हाँ, कोई वादे आपको लग रहे हैं पूरे नहीं हुए? मेरे को तो देखो जो नहीं लगा वो नहीं लगा। महंगाई कम करने के लिए कहा था, नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। रोजगार के लिए कहा था, रोजगार नहीं मिला, वही हाल है। अब सरकार, अब यूपी सरकार में भर्तियां कहाँ से निकल गई, 6,500 नौकरियां कहाँ से निकल गई जो अब तक नहीं थी? हर बार पेपर लीक होते हैं, इस बार जो भर्तियां निकली उसमें पेपर लीक क्यों नहीं हुए? मतलब चुनाव का सीजन आएगा तो आप नौकरी भी दोगे और रोजगार भी दोगे, आप सब कुछ दोगे, पैसा भी दोगे, चुनाव खत्म होते ही आप एकदम पलट जाओगे। ये बात गलत है। पर वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने जितना काम किया उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया था, हमारी सरकार में इतना देश का विकास हुआ है। मैडम विकास का एक मेरे को पैरामीटर होता है, आप कोई भी आदमी तरक्की कर रहा है, आज अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है कल को 25,000 होगी, विकास आप उसको कहोगे? लेकिन अगर आप आज 10,000 की तनख्वाह के अंदर में 2,000 बचा रहे हो और कल 25,000 की तनख्वाह में आपको अगर 2,000 पे कर्जा ही करना पड़ता है बाजार से, तो फिर उससे विकास कहोगे आप? अच्छा, पैसे की रोलिंग हुई ना, विकास थोड़ी हुआ वो तो। पहले जो गरीब आदमी 10,000 रुपए में कमा करके अपने घर के अंदर गांव में तक मैं आदमी भेजता था 2,000 रुपए महीने का, आज की तारीख में वो यही लोकल के अंदर ही रह कर रह रहा है और यहाँ पे उसका किराया नहीं पूरा पड़ पा रहा, गाँव को कुछ नहीं भेज पा रहा। हाँ। तो इसे मैं वो और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई है। अच्छा, तनख्वाह के अनुपात में खर्चा क्या पड़ा हम उसको भी समझना पड़ेगा ना, महंगाई कितनी बड़ी है। अगर ये को बोलते हैं कि महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, तुम बच्चे पैदा कर रहे हो और फिर जॉब कहाँ से आएगी इतनी सारी, बच्चे पैदा कर रहे हो, पहले जनसंख्या तो कम करो तभी तो होगा जॉब। पर बोला जा रहा है कि चाइना की भी इतनी जनसंख्या है लेकिन वहाँ रोजगार मिलता है? नहीं, इतनी तो नहीं होगी जितनी इंडिया की है। और एक नहीं, लॉकडाउन में इतने सारे बच्चे हुए हैं एंड होते हैं, अभी भी इतने सारे होते हैं, कोई जनसंख्या पे देखता ही नहीं है। अगर वो कम होगी तभी तो जॉब्स आएंगे बहुत सारी। पर सवाल ये उठता है कि मोदी जी ने आते वक्त ही वादा किया था कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे हर साल, पर वो हुआ नहीं।
उनके उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, जॉब भी निकाली है, पर किसी को दिखता नहीं है। कोई बोलता है मोदी जी ने किया है, जैसे कि गिनवा दीजिए। मोदी जी ने कहा कि महंगाई कम होगी, जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ेगी, कॉमन सी बात है। ठीक है, तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो भाई, महंगाई भी बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक, क्या नहीं, जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। जनसंख्या का अनुपात क्या है मैडम और महंगाई का दर क्या है, ये पूछ लो जरा, कितना डिफरेंस है दोनों में? कितना डिफरेंस? ये नहीं है कि जनसंख्या हमारे देश में अभी बढ़ी है, इससे पहले नहीं बढ़ी थी। जब हम आजाद हुए थे तो उस टाइम 42 करोड़ सारा था, पूरा देश था। आज जिसको आप माइनॉरिटी कहते हो, आज वही 30 करोड़ से ऊपर है। तो फिर तब महंगाई नहीं बढ़ी। आप किसको सपोर्ट कर रहे? मैं सपोर्ट किसी को नहीं कर रहा जी, मैं हूँ। देखो मेरा वोट जो है ना, मैंने अपने वोट दे करके नेता को अपने नीचे काम करने के लिए लगाया, उसके नीचे काम करने के लिए लगा। मैंने किसी को नौकर रखा है ना, तो मैं उससे सवाल पूछने का हकदार हूँ, भाई तूने मेरे पैसे का क्या इस्तेमाल किया है? मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। लगता है बीजेपी ठीक नहीं है तो बीजेपी को वोट मत दो, मत दो। और भाई बीजेपी सब कुछ है, 5 साल में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, गायब पड़ी है, खाए राम मंदिर बनवाया भी बनवाया, इतने सालों बाद राम मंदिर बना है, किसी का दम नहीं, कोई हाथ लगा के दिखा दो। मोदी जी का अपना कोर्ट था ये कि मंदिर का फैसला आएगा कोर्ट से तो मंदिर बन जाएगा। जब वो कह रहे थे, जब मोदी जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तभी मंदिर बनेगा, तो फिर वो क्रेडिट, वो बीजेपी क्रेडिट कैसे ले सकती है उस चीज का? वो क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आना था तब राम मंदिर बनना था, तो मोदी जी क्रेडिट क्यों ले? इतने सालों से कांग्रेस भी थी, वो तो काफी सालों से, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। बीजेपी आती क्यों राम मंदिर बना, एक बात बताओ। अच्छा, बीजेपी इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं था 1985 तक, राम मंदिर का मुद्दा इतना सांप्रदायिक, इतना तनावपूर्ण तब तक नहीं था जब तक 1985 नहीं आया था, जब 2 सीट पे आगे इनका अस्तित्व रह गया था बीजेपी का। जिसको मुद्दा बनाने वाला, धर्म को मुद्दा बनाने का काम बीजेपी ने किया है, आज से नहीं किया, पहले से किया है। धर्म की राजनीति गलत है, धर्म के अनुसार राजनीति करो वो अच्छी बात है, लेकिन धर्म को राजनीति बना देना वो गलत है। दोनों में फर्क है, समझना आपको, हमको दोनों को पड़ेगा, क्योंकि वोट हमने देना है, इस देश में हमने रहना है। उन्होंने जेब भर के, नेताओं ने जेब भर के बाहर के देशों में पैसा लगा लेना अपना, नरेंद्र सिंह तोमर है, मोदी जी से 6 मकान छोड़ के रहता है यहाँ पे दिल्ली में ही, 10,000 करोड़ का सिर्फ उसके ऊपर ना कमीशन है, 10,000 करोड़ की सर उसकी कमीशन है। अभी घोटाला कितने हजार डॉलर का होगा वो नहीं पता, कितने लाख करोड़ का होगा वो नहीं पता, सिर्फ कमीशन 10,000 करोड़ की है कमीशन। अच्छा, तो अब आप बताओ, करप्शन आदमी, करप्ट आदमी को मैं अपने पास नहीं बर्दाश्त करता। पलटू राम को क्या, इसको नीतीश कुमार कहते हैं पलटू राम है, इसके लिए कोई वो नहीं है, अब वोट के लिए उसको भी अपने अंदर कर लिया शामिल। जवाब ले लेते हैं, कह रहे हैं घोटाले होते रहते हैं पर वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को बाहर निकाल रहे हैं अपने सरकार से, क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है, बीजेपी इज अ ग्रेट, ठीक है। और मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ भाई, कांग्रेस कुछ भी है, कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने, वो हमेशा ना मोमडन लोगों को सपोर्ट करता है बस। अभी भी गायब है, पूरे दुनिया जोड़ रहा है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, कहीं दिख तो रहा है नहीं। बीजेपी संतान ही है भाई, वो करेगा हिंदू के लिए, और हिंदू राष्ट्र बनेगा आने वाले टाइम में, राष्ट्र बनेगा। धर्म के अलावा आपको क्या लग रहा है कि देश के विकास के लिए क्या? देश का विकास हो रहा है धीरे धीरे, हो तो रहा है, देखो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज सब आ रहा है धीरे धीरे करके। देखो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा ना, हिंदू राष्ट्रीय देश बन चुका है, ठीक है जी, बस खाली उस पर मोहर लगनी। अरे तो मेरे को उससे क्या, आप एक बात बताओ, आपके आपके लिए हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपके लिए बीजेपी अच्छी पार्टी है, मेरे लिए मतलब यह है कि मेरे जितने भाई है भूखे हैं। पहले मेरी बात सुनो मैडम, अब आपने बोला, मैंने बीच में नहीं बोला था, मैं बोलूंगा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकार का आपकी तरफ जिम्मेवारी है, आप सरकार चुनते हो इसीलिए चुनते हो, किसी और काम के लिए नहीं चुनते हो। धर्म के लिए, धर्म के लिए पंडित है, धर्म के लिए मंदिर है, धार्मिक संस्थान है आपके, धर्म का काम वहाँ होगा। आपने सरकार चुनी है धर्म के काम के लिए नहीं चुनी है, आपने सरकार चुनी है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, जो सरकार आपकी तरफ वचनबद्ध आपको देने के लिए, वो ना दे करके और आपको बना रहे हैं कि नहीं जी हम आपको ये नहीं दे रहे, आपको ये दे रहे हैं। आप अपने, आपको, आप जिस कुर्सी पे बैठो, आपको उस कुर्सी के बैठने के बाद आपको अपने धर्म का नहीं पता, कुर्सी का जो राजतंत्र का राज धर्म होता है आपको वही नहीं पता, बाकी बात क्या कर रहे हो? धर्म क्या आप सुरक्षित करोगे? राजधर्म आपको नहीं करना आता तो आप सुरक्षित क्या करोगे? ठीक, ये कह रहे हैं
धर्म के लिए धर्म गुरु हैं, हम सरकार बनाते हैं शिक्षा अस्पताल महंगाई के लिए, वो काम नहीं हो रहा है। तो आप मत दो वोट, साफ सीधी बात, वोट ये होता है कि हाँ जो हमारे काम जो हमारी दिक्कतें सारी पूरी हो रही है। मैंने आपसे इतनी देर में बातचीत में मैंने आपसे एक बार नहीं कहा कि आप बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हो, आप मत दो, मैंने आपसे एक बार नहीं कहा, लेकिन आपने मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन किया कि आप कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहते हो। मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, मेरे लिए जो काम करेगा मैं वोट उसको दूंगा, बात खत्म। आप इस बच्चे को बिठा दो कुर्सी पे, ये मेरा काम, मेरे देश के लिए काम करेगा, तो मैं वोट इसी को दूंगा, बात खत्म। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस आपका काम कर रही है तो आप उसे दो, अगर बीजेपी आपका काम कर रही है तो उसे दो। आप बीजेपी को गलत नहीं बोल सकते कि इनने ये नहीं किया, इनने ये नहीं किया, उनने बहुत कुछ किया है। अगर वो नहीं होता ना, आज एक हिंदू अपने घर में सही नहीं बैठता, सुरक्षित नहीं बैठता। 1947 से ये देश आजाद है, हिंदू अपने घर में ही था, 80% आबादी हिंदुओं की रही है इस देश के अंदर, ठीक है। और जिस टाइम के अंदर 62% आई थी ना आबादी, 78 से लेके 82 तक का टाइम वो था जिसमें हिंदुओं के ग्राफ जो था, बर्थ प्रोडक्शन रेट जो था वो कम भी हुआ था, और उसमें जो आबादी का अनुपात था वो 68% भी आया था मैडम जी, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था इस देश के अंदर। अपने घर में कोई खतरे में नहीं होता है, आप अपने घर में जो कुछ कुत्ते को पालते हो ना वो भी आपको नहीं काटता है। मुझे बताओगे कि बाल विवाह क्यों हुआ था, क्यों स्टार्ट किया था बाल विवाह, क्यों स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था ये बताओ, अरे क्यों किया था ये तो बताओ, किसने किया बाल विवाह, क्यों स्टार्ट हुआ था ये बता दो, अरे किसने किया था बाल विवाह वो तो बताओ। और बाल विवाह आज की प्रथा कुप्रथा नहीं है, ये कुप्रथा स्टार्ट हुआ क्यों, आप कह रहे थे पहले हिंदू की जनसंख्या ज्यादा थी, ये कम था, तो क्यों हुआ था ये बता दो। हिंदुओं की बेटियों का घर से ना उठाया जा रहा था, तभी बाल विवाह चालू किया था। बाल विवाह मैम कब से चालू हुआ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप मेरे को बता सकती है मेरी जानकारी के लिए कि बाल विवाह इस देश में कब से चालू हुआ, इस भारतवर्ष में बाल विवाह कब से प्रथा चल रही है, कुप्रथा है, पहली बात तो आपको बताऊं, और ये कब से चालू आपको पता है, ये कब से चालू है ये बताओ मेरे को खाली। बाल विवाह आज से नहीं, सदियों से इस देश में, जब बीजेपी और कांग्रेस का अस्तित्व नहीं था इस धरती के ऊपर ना, तब से बाल विवाह कहाँ हुआ। मैं ये बता रही हूँ कि आप कह रहे हिंदू की जनसंख्या ज्यादा थी, इसकी बता रही हूँ मैं, मेरे का कम थी तब भी खतरे में नहीं था, ज्यादा की तो मैंने बात ही नहीं करी। 78 से लेके 82 का दौर वो था जिसमें 69 से लेके 82 तक दौर होता जिसमें ग्राफ कम था, तब भी खतरे में नहीं था, अब कैसे हो गया, क्या बात करते हो। खतरे में नहीं था तभी तो ये लाल किला बना है, खतरे में नहीं था तभी तो ये कुतुब मीनार बना है, तभी खत्म नहीं था तभी तो ये सब पड़ा है। तो ये खतरे मतलब ये बन गया तो खतरे की निशानी है। मोदी जी ने लीज पे दे करके पैसा कमा रखा इसमें, तो बीजेपी आ रखी है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, भाई बीजेपी नेता एक तरफ हो जाते हैं ना, जब सारा अगेंस्ट आपका एक तरफ हो जाए तो उसके बाद जो है ये मान लीजिए जो हमारा नेता खड़ा है वो ईमानदार है, या सारे जो हमारे मेरे कहने का मतलब है जितने भी लोग हैं वो सब पागल हैं। आपको लग रहा है कि काम हो रहा है मोदी सर? बिल्कुल मैम, एक बात बताइए कौन सा काम नहीं हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें पॉसिबल हैं, सारे जितने भी हमारे सबके आधार कार्ड बने हुए हैं, जिस हिसाब से सभी को जो है 5 लाख रुपए का बीमा भी प्रोवाइड करा रही है, सबके घर बन रहे हैं, सबके टॉयलेट बन रहे हैं, सबके बाथरूम बन रहे हैं, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा काम है जो अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है। एक गांव में ना मैडम एक शौचालय बनाया सरकार ने, पूरे गांव के अंदर एक से लेकर 2 शौचालय बनाया, उस पर लगा ताला, और जिसको उसका ठेका मिला, सरपंच ने जिसको उसका ठेको दिया ना, ठेका लेने वाला कहता है भाई 5 रुपए देगा तो अंदर जा, तो शौचालय का फायदा क्या। एक मिनट सर, एक मिनट में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बात करूँ आपसे। भैया हम शुरू से अपने घर में करते आए हैं, हम शुरू से अपने घर में करते आए हैं, पूरे देश को मैं कहना चाहूंगा खुले में सोच फ्री, मतलब सोच फ्री बना दिया, खुले में कोई सोच नहीं जाता है आज की डेट में। एक भी इतने सारे सर्वे हो गए हैं, कोई भी आदमी, कोई भी मुझे आप ये दिखा दीजिए किसी भी गांव में जो सोच में जाता हो। 40 कदम चलो, मैं आपको अभी खुले में सोच पड़ा हुआ दिखा दूंगा, शौचालय के बगल में ही है, अभी दिखा दूंगा, चलो साथ में 40 कदम चलना है, ज्यादा नहीं चलना, अभी चल लो, लोगों की मानसिकता बदल नहीं चाहिए भैया, शौचालय एक छोड़ के एक और खुला दो, ये शौचालय है और यहाँ बैठ कर खुले में शौच चल रहा है, ये है 40 कदम की दूरी में शौचालय में यह मान, एक मिनट मैं बता देता हूँ, एक मिनट सोच बदलने के लिए, लोगों का दिमाग बदलने के लिए मोदी जी एक एक को नहीं कहेंगे, वो रोज मन की बात बोलते हैं, सारी चीजें सारे डिबेट करते हैं, आप उन्हें देखो सारी चीजें। मैं बिल्कुल वही बात कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि
मोदी जी आए, एक आदमी को समझाएं कि नहीं खुले में शौच यहाँ करो। उन्होंने इतने सारे प्रोग्राम टेलीकास्ट चला रखे हैं जिन्हें वे रेगुलरली अटेंड करते हैं, आप उन्हें जाके सुने। वो सारी सुविधाएं जो वो दे रहे हैं उन्हें जाके प्रोवाइड करें। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी कि हाँ ये सुविधा स्टार्ट हुई है तो मैं फायदा कैसे उठा पाऊंगा उसका। तो क्या क्या काम आपको पसंद आए अभी सरकार? देखिये जो काम मुझे पसंद आए, मैं ये मानता हूँ कि जितने काम हुए हैं वो अभी तक बेस्ट हुए हैं। और जो चीज जैसे कि आपका जो 5 लाख का बीमा है वो प्रत्येक व्यक्ति का, ऐसा नहीं है हिंदू का है, मुस्लिम का है, या छोटे का है, या गरीब का है, या अमीर का है, ऐसा कोई नहीं है। कोई जाति भेदभाव नहीं है उसमें, है ना। दूसरी चीज क्या है, जो घर मिले हैं वो सिर्फ गरीब को मिले हैं, ऐसा नहीं है कि सबको मिले हैं। ठीक है, आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं 5 लाख वाले बीमे की, ठीक है जी। उसकी अप्लाई करने की पहली शर्त यह है कि आपकी जो आय है ना प्रति महीना 250 रुपए से कम होनी चाहिए। प्रति महीना 250 रुपए से कम आपकी आय होनी चाहिए जिसको जिसको 5 लाख का वो बीमा मिल रहा है, ठीक है जी। और उसमें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराओ। एक फोन को मेंटेन करने का मिनिमम खर्चा जो है आज की तारीख में ना 300 रुपए से ऊपर है। सरकार ने देखो क्लॉज कैसा लगाया, नहीं बन रहा, मेरा बना हुआ है सर। मैं क्या बोलना है इनके सवाल पर? हमारा सवाल ये है कि जैसे फैमिली में हमने कहा कि आयुष्मान कार्ड हमारा ही बना दो, अब क्या फैमिली में 6 मेंबर चाहिए, हम तो 5 ही हैं, 6 कहाँ से लाए? अच्छा, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं, 6 से कम है वो क्या करे? मैम ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, मैं खुद 5 मेंबर हूँ, मेरी फैमिली में खुद 5 मेंबर है सर, मेरी फैमिली में खुद 5 मेंबर है, ठीक है। मेरा खुद का बना हुआ है, मेरे चाचा है उनका बना हुआ है, मेरे जितने रिलेटिव हैं सबका बना हुआ है भाई। आपकी सरकार से नजदीक आपका तो बने की पार्सल आती है वो कहाँ गई? न्यूज लॉन्ड्री एक बहुत ही ऑथेंटिक चैनल है जहां पर आप खबरें देख सकते हैं जो सच हैं। तो उन्होंने उजागर किया था कि मोदी जी की ये जो घर वाली स्कीम है वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है। चलिए मैं विस्तार से बताती हूँ। न्यूज़पेपर के अंदर एक फोटोग्राफ आती है जिसमें आर्थिक रूप से पीड़ित एक आंटी हैं, बुजुर्ग हैं, वो खड़ी हुई हैं और ऐसे शोकेस किया गया है कि भैया मोदी जी ने देखो इनको घर दिलवाया है, पहले ये गरीब थी, इनके पास घर नहीं था और अभी मोदी जी की योजना के तहत इन्हें चमचमाता नया नवेला घर मिला है। फिर जो असली पत्रकार फ्रॉम न्यूज लॉन्ड्री पहुंचे उन आंटी तक, उनसे पूछा क्या आप इस छोटे से एक पलंग जितनी स्पेस के टीन शेड वाले घर में क्यों रह रही हैं? तो वो बोलती हैं बिटिया यही है हमारा तो किराए का घर है छोटा सा। तो फिर उन्हें उनकी तस्वीर दिखाई गई कि आपका तो पूरे देश में नाम हो रहा है कि घर मिला है आप जैसे करोड़ों लोगों को। तो वो बताती हैं कि नहीं बिटिया ये तो बस फोटोग्राफ के लिए है, असलियत में तो हम यहीं रहते हैं, हमें ऐसा कोई घर नहीं मिला। तो ये है साहब मोदी जी की घर देने वाली स्कीम। और ऐसे अगर एक एक बात का हम विश्लेषण करने पे आ जाएं तो सरकार कितने स्कैम्स करती है सब क्लियर हो जाएगा। वो बच्ची यार क्या भयंकर कट्टर वाली अंधभक्त थी और किस कदर उसका ब्रेन वॉश हुआ था। जब मुसलमान हमारे प्रेसिडेंट थे तब हिंदू खतरे में नहीं था, जब सिख हमारे प्रधानमंत्री थे तब हिंदू खतरे में नहीं था, और आज जब सब पीपल इन पावर हिंदू हैं तो हिंदू खतरे में आ गया है। इस सिंपल सी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, पर एक दिन आएगा समझेंगे और कई सारे हम जैसे लोग समझ भी चुके हैं तभी तो। अब तो ये ओल्ड पर गोल्ड स्टेटमेंट हो गया है कि एनडीए की जगह इंडिया हम जागरूक सिटीजन्स की वजह से हुआ है और हमारी जिम्मेदारी है बीजेपी का सफाया करने की इन द नेक्स्ट इलेक्शन एंड इट डेफिनेटली विल हैपन। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, कभी भी ऐसे ब्रेन वॉश मत होना दीदी की तरह, छोटी सी दीदी, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और ऐसे सच का साथ देना है। सत्यमेव जयते, जय हिंद।